नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार में शिक्षकों की वैकेंसी की बहार आ गई है। बता दें कि बीएड के अभ्यर्थी की संख्या भी काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि इग्नू ने बीएड के अभ्यर्थियों के लिए 110 सीट के बजाय 495 सीटों पर नामांकन किया है। ऐसे में आपको बताते चलें कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो काफ़ी उनके लिए राहत भरी खबरें हैं। बीते 1.5 वर्षों में बिहार में शिक्षकों की वैकेंसी जिस प्रकार आई है उसका परिणाम है कि प्रदेश में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने से संस्थानों में बीएड की सीटों को भी बढ़ाना पड़ा है। इग्नू में बीएड की सीट इस शैक्षणिक सत्र में लगभग 5 गुनी बढ़ाई गई है। इस बात की जानकारी इग्नू पटना के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने दी है। ऐसे में इग्नू पटना के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया कि इग्नू में महज 55,000 रुपये में 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम पूरा कराया जाता है। इसे फीस में सभी स्टडी मटेरियल भी इंक्लूड होता है। इस वर्ष बीएड की एंट्रेंस में अभ्यर्थियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। ऐसे में पिछले वर्ष तक जहां बिहार के रीजनल सेंटरों में बीएड के लिए पूर्व में जहां 110 सीटें थी वहां अब बढ़कर 495 हो गई है। पहले पटना और भागलपुर सेंटर के लिए 55 सीटें थी, वह बढ़ाकर 330 सीटें हो गई हैं। दरभंगा और सहरसा के सेंटर पर पहले जहां 55 सीटें थी वह अब बढ़कर 165 सीट हो गई है। पटना के 5 केंद्रों पर बीएड की पढ़ाई आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो रही है। ऐसे में डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया कि इग्नू का अलग से बीएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है जो नेशनल लेवल पर होता है। विभिन्न रीजनल सेंटर के लिए अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करते हैं। जिस सेंटर के लिए अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं वही के लिए वह क्वालिफाई होते हैं और क्वालिफाई के बाद उन्हें केंद्रों पर नामांकन लेना होता है। उन्होंने बताया कि इग्नू के बीएड एंट्रेंस के लिए कई शर्तें हैं। सबसे ज़रूरी है कि अभ्यर्थियों का स्नातक होना अनिवार्य है और उसके बाद रेगुलर कोर्स में डीएलएड जरूरी है। दोनों कोर्स का शैक्षणिक सत्र अलग होना चाहिए। डॉक्टर अभिलाष नायक ने कहा कि अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है कि इग्नू बीएड पाठ्यक्रम करा रहा है। अधिक से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो अगले शैक्षणिक सत्र से बीएड की संख्या में भी इजाफा होगा। अभ्यर्थियों की संख्या देखते हुए सीट की संख्या में भी इजाफा होता है। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की रुचि बढ़ी है और अभ्यर्थी अधिक संख्या में आ रहे हैं। इसके वजह से इस शैक्षणिक सत्र में सीटें बढ़ानी पड़ी है। बिहार में इग्नू के बीएड के लिए 495 सीटों के लिए लगभग 3,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों में से इन सीटों पर नामांकन होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनकी वैकेंसी की बहार आ गई है। बीएड के अभ्यर्थियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में इग्नू में 110 सीटों के बजाय 495 सीटों पर नामांकन किया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।